आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो प्रश्न दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन को परिभाषित कीजिए, हमें बताना है कि न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन को हमें परिभाषित करना है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, अब हम देखेंगे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित बे सब एटॉमिक कण जिनका भार लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तथा जो अनावेशित होते हैं, मतलब कि इन पर कोई आवेश नहीं होता, उन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, जो कि अपवाद होती है, कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसके अंदर आपके जो हाइड्रोजन का जो नाभिक है उसके अंदर आपके न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी के सभी जो तत्व उनमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन का नाभिक न्यूट्रॉन रहित होता है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन की परिभाषा क्या होगी, कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित बे सब एटॉमिक कण जिनका भार लगभग प्रोटॉन के भार के बराबर होता है तथा जो अनावेशित होते हैं उन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं, मतलब इनमें कोई आवेश नहीं होता है, और हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।